क्या आप जानते हैं पपीता एक सुपर फूड है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पपीते को हम फल की श्रेणी में तो देखते हैं, मगर इसके आगे हम कीवी, सेब और ऐसे दूसरे बहुत सारे फलों को हम पहले नंबर पे लाते हैं। ठीक है, सेब है, लेकिन पपीते की अगर पोषण की दृष्टि से देखें तो बहुत पीछे है, और WHO ने भी इसे फलों का राजा यानी पोषण की दृष्टि से इसको पहले नंबर पे रखा है। और मैं आपको बताऊं कि पपीते में, अभी मैं आपको इसमें अंदर जो जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और वो अन्य फलों के मुकाबले में कितना अधिक है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से WHO ने तो इसी को ही नंबर 1 पे रखा है। अब पपीते में सबसे अधिक तो आपको पता है कि सेब से 2 गुना कैल्शियम अधिक है, दुगुना, 2 टाइम्स, और विटामिन सी सेब से 13 टाइम्स अधिक है, तरबूज से 7 टाइम्स अधिक है, चेरी से 8 टाइम्स अधिक है, अनानास से 1.3 टाइम्स अधिक है। यानी विटामिन सी भी इन फलों से पपीते में बहुत अधिक है। अब आपको मालूम है विटामिन ए भी पपीते में है ना, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, मगर सेब से 18 टाइम्स अधिक है, कीवी से 10 टाइम्स, केले से 15 टाइम्स, तरबूज से 1.5 टाइम्स, अमरूद से 1.5 टाइम्स, चेरी से 15 टाइम्स अधिक है इसके अंदर विटामिन ए, और अनानास से 1.6 टाइम्स। यानी इन फलों से इसके अंदर कितना अधिक विटामिन ए है, और विटामिन ए हमें मालूम है हमारी आंखों के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन के की बात करें जो कि पपीते में है, तो केले से 5 टाइम्स अधिक है, तरबूज से 2.5 टाइम्स अधिक है, और अनानास से 4 टाइम्स अधिक है। अब देखिए कितना इसमें इन फलों के मुकाबले में कितना अधिक न्यूट्रिशन है, इसीलिए तो WHO ने इसको सबसे पहले नंबर पर रखा है। अब इसके अंदर कैरोटीनाइड भी पाया जाता है, लाइकोपीन भी पाया जाता है, डी कैरोटीन भी पाया जाता है, ल्यूटीन है, जैक्सेंथिन है, यानी इसके अंदर कीवी, सेब, चेरी, अनानास, केला, अमरूद, किसी में भी ये चीज़ें नहीं है, सिर्फ सेब ये पपीते में है। और ये तत्व आँखों के स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, जो मैंने बोला कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, बी कैरोटीन, ल्यूटीन और जैक्सेंथिन, ये आंखों के स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, जो कि पपीते में है। बाकी फल इन फलों में नहीं, जिनका मैंने नाम लिया, कीवी, सेब, चेरी, अनानास, केला, अमरूद, किसी में भी नहीं है। यानी पपीते को हमें अपने रोज आहार में शामिल करना चाहिए। आप चाहे ब्रेकफास्ट में करें, चाहे आप शाम को 4 बजे स्नैक्स के रूप में कर लें, किसी भी समय, या लंच के समय जिसको वजन कम करना है, ये वजन कम करने में भी बहुत सहायक है। खाली वजन ही कम नहीं करता है, इसके अलावा ये कब्ज को तोड़ने में रामबाण है। जिनको कब्ज की समस्या है उन्हें तो पपीता भर पेट किसी भी समय एक बार जरूर खाना चाहिए, और 2 बार खा सकते हैं तो खा लीजिए, इसका नुकसान तो है ही नहीं। और अगर जो लोग फलों पर उपवास करते हैं उसके लिए भी पपीता रामबाण है। एक तो ये कब्ज नहीं होने देगा आपको, पेट तो भरेगा ही भरेगा, न्यूट्रिशन बहुत मिलेगा, क्योंकि फल उपवास भी जिन लोगों से बिना कुछ खाए पिए नहीं होता है वो पपीते पर कर लें। इसके अलावा जो पाइल्स की समस्या कब्ज के कारण आती है उसका भी उपचार पपीते में ही है। यानी पपीता वास्तव में एक सुपर फूड है जिसे हमें अपने आहार में रोज शामिल करना चाहिए। और मेरा यह छोटा सा जानकारी वाला वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर खूब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग पपीते को सस्ता फल समझ के नहीं खाते हैं, उनके लिए सेब ही बस, कीवी सेब ही सबसे अच्छे फलों में है। सेब भी मैं मानती हूँ बहुत अच्छा है, कीवी भी अच्छा है, लेकिन जो गुण इसमें देखे गए हैं उस दृष्टि से मैं बोलती हूँ पपीता सबको जरूर अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसलिए शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।